BMS Academy में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार हमने एक्सट्रूड के साथ सिंपल इमेजेस में 3D इफेक्ट को क्रिएट किया था। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट में भी 3D इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक्सट्रूड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि यहाँ देखें तो मेरे पास ISSTWord.com लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक एक्सट्रूड इफेक्ट भी क्रिएट किया गया है, जिससे ये जो सिंपल फॉन्ट है वो 3D लुक जैसा दिखाई देता है। तो ये देखते हैं किस प्रकार हम ये एक्सट्रूड के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे smartosystems.in की वेबसाइट को टाइप किया है, यानी कि उसका नाम टाइप किया है। अब यहाँ से मैं एक्सट्रूड ऑप्शन को चुन लेता हूँ यहाँ से, और आप देखेंगे अभी क्योंकि ये सिंगल कलर में है, और जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्सट्रूड हो चुका है। अब यहाँ देखें तो बेसिक इफेक्ट्स लगभग वही हैं जो हमने पिछले सेशन में एक्सट्रूड इफेक्ट के साथ किए थे, लेकिन यहाँ पे अब मैं एक्सट्रूडनेस में कलर्स को डिफरेंट करके यहाँ पे आसानी से उसको पहचान सकता हूँ एक्सट्रूड इफेक्ट को। इसके लिए यहाँ से मैं एक्सट्रूजन कलर पर जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर हैं, यहाँ से मैं सॉलिड कलर चुन लेता हूँ। सॉलिड कलर में से जो कलर आप चाहते हैं वो फाइनलाइज करें। अब देखें एक्सट्रूडनेस में जो कलर आ रहा है पीछे की तरफ, वो कलर यहाँ पे डिफाइन मैंने किया है। आप कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह का कलर आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है वो आप यहाँ से प्रयोग करें। उसके साथ ही आप यहाँ से दो कलर्स को भी प्रयोग कर सकते हैं एक्सट्रूड डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ एक से दूसरे कलर की तरफ डिफाइन कर लेता हूँ, और आप देखेंगे कि इसमें अब एक्सट्रूडनेस में दोनों कलर्स को मिक्स करके दिखाया गया है। फाइनल करने के बाद यहाँ से मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। आगे का जो रंग है उसको मैं यहाँ से बदल सकता हूँ, क्योंकि हमने ये फॉन्ट इफेक्ट में कलर देना है। अब यदि आप यहाँ देखें तो जैसे जैसे आप कलर देंगे वैसा वैसा इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल और ब्लू कलर का इफेक्ट दे देता हूँ। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं टेक्स्ट में, और उसमें डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस का प्रयोग करें, ताकि जो बेस्ट सूटेड रिजल्ट रहता है उसको आप प्रयोग करें अपने टेक्स्ट रिजल्ट्स में। धन्यवाद।